हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 12 इयर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि डेंटल सेंसिटिविटी, यानी कि दांतों में झनझनाहट होना। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को हुई है। अगर आप उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एंड अगर चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेंसिटिविटी और झनझनाहट दांतों में होना एक ऐसी आम प्रॉब्लम है, मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स को होती है, लेकिन इसका क्या रीज़न होता है एंड क्या ट्रीटमेंट होता है, आज ये बात हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हो ना हो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं झनझनाहट होता क्या है और सेंसिटिविटी होता क्या है। सी, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ ठंडा या गर्म खा रहे हो, या ठंडा पानी फ्रिज से ले रहे हो, तो अचानक से आपके दांतों में झनझनाहट होता है। सो दर्द पेन नहीं होता, बट एक झनझनाहट सी होती, ठंडा खाने से गर्म खाने से तक ही होता है। 2-3 सेकंड तक लगेगा पेशेंट को झनझनाहट, लेकिन आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप खाना नहीं खा पाओगे ढंग से, पानी नहीं पी पाओगे। या कभी कभी आप किसी ठंडी जगह में जाते हो तो वहाँ पे अगर ठंडा लगता है तो उस टाइम पे भी झनझनाहट होती है दांतों में। तो आज ये जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। तो हम इस वीडियो में 1 by 1 करके चलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं सॉल्यूशन भी बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो झनझनाहट होती है, यानी कि सेंसिटिविटी जो होती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे। सेंसिटिविटी के पीछे का एक साइंस समझते हैं कि क्यों ऐसे झनझनाहट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार पुरानी वीडियोस में बताया है कि दांतों की हमारी 3 लेयर्स होती है। ये फोटो आपको दिख रही है कि दांतों की 3 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको एनामल बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है इसको हम डेंटिन बोलते हैं, एंड इनर मोस्ट लेयर को पल्प बोलते हैं। ये डेंटिन जो होती है कभी कभी एक्सपोज हो जाती है, तो उस टाइम भी पेशेंट को सेंसिटिविटी स्टार्ट होता है। तो अब जानते हैं कि एक्सपोज क्यों हो जाती है, यानी कि खुल क्यों जाती है डेंटिन हमारी। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं, मैं यहाँ पर बेसिक रीजन से स्टार्ट करूँगी जो बहुत ही कॉमन रीज़न है। सबसे पहले होता है कि पेशेंट का गलत ढंग से ब्रशिंग करना। ब्रशिंग टेक्निक अगर आपकी गलत है तो झनझनाहट आपके दांतों में हो सकता है। यानी कि अगर आप ब्रश होरिजेंटली करते हो, यानी कि इस तरीके से करते हो, तो ये बहुत लोग इस तरीके से ब्रश करते हैं। तो अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे ही ब्रश करते रहोगे और जोर से ब्रश करोगे, 3-4 मिनट तक लगातार इस तरीके से अपने दांतों के रगड़ोगे, तो आपको झनझनाहट होने वाली है। एंड अगर आप ऐसे करते हो तो प्लीज़ इसी वक्त इसको स्टॉप कर दीजिए। ये इससे आपके दांतों की जो आउटर लेयर होती है चिप आउट हो जाती है, ये निकल जाती है, एंड जो अंदर की लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया डेंटिन, वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो एक्सपोज हो जाती है। तो इस कारण से झनझनाहट होती है। इस तरीके से कोई झनझनाहट आपको होती है, ये भी कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर बिल्कुल बहुत ही इनिशियल स्टेज के है तो हम आपको टूथपेस्ट कहेंगे कि टूथपेस्ट यूज़ करिए, जैसे कि कोई भी सेंसोडाइन या फिर कोलगेट सेंसिटिव टूथपेस्ट होते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है। अगर आप सही ढंग से आप उसको यूज़ करेंगे तो ही वो इफ़ेक्टिव होगा। तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है, आप थोड़ा सा टूथपेस्ट, यानी कि छोटा सा अमाउंट टूथपेस्ट आपने अपने फिंगर पे लेना है, एंड उसको उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपको झनझनाहट होती है, यानी कि सेंसिटिविटी होती है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से लगाना है, एंड उस पेस्ट को एटलीस्ट मतलब 20-30 सेकंड वहीं पे लगा के रखना है। उसको बिल्कुल पानी से कुछ भी नहीं धोना है। आफ्टर 30 सेकंड आपको बिल्कुल स्मूथली ब्रश करना है, बहुत ही स्मूथली। तो ब्रशिंग टेक्निक अगर आपको जाननी तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं ब्रशिंग टेक्निक, बट थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होरिजेंटली बिल्कुल ब्रश नहीं करना है, आपको सर्कुलर ब्रश करना है। पीछे के दांतों में सर्कुलर ब्रश करना है, आगे के दांतों में अप एंड डाउन ब्रश करना है। तो अगर आप इस तरीके से ब्रश करते हो रेगुलर, तो आपकी जो झनझनाहट है, ये जो सेंसिटिविटी है, धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी। हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे, 1.5 हफ्ता लगे, 5-10 डेज आराम से लगते हैं इस सेंसिटिविटी को ख़त्म होने के लिए। दूसरी जो सेंसिटिविटी होती है कि बहुत एडवांस स्टेज की सेंसिटिविटी होती है, उसमें क्या होता है, पेशेंट के दांत का जो पूरा इनेमल होता है और डेंटिन होता है वो चिप आउट हो जाता है। यानी कि जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि पूरा होल बन गया है दांतों में, तो उस टाइम पे अगर ऐसी झनझनाहट इस रीज़न से हो रही है कि आपकी आउटर लेयर पूरी चिप आउट हो गई है और बहुत एडवांस स्टेज की है, तो इस टाइम पे पेस्ट से बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा।
इस टाइम पे डेंटिस्ट को फिलिंग करना पड़ेगा एंड फिलिंग से वो झंझनाहट वो सेंसिटिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा रीज़न क्या है सेंसिटिविटी का। दूसरा रीज़न होता है कि अगर आप के माउथ में कैविटीज़ है, यानी कि आपके दांत में होल हो चुका है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी तब होता है जब आपका डेंटिन एक्सपोज हो जाए। तो अगर आपके दांतों में छेद हो गया, होल हो गया, एक्सपोज हो गया, तो उस टाइम भी पेशेंट को सेंसिटिविटी होता है एंड ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो इसका ही एक ही ट्रीटमेंट होता है कि इसका डेंटल फिलिंग कर दो, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती। डेंटल फिलिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के डेंटल फिलिंग्स आते हैं, अच्छी क्वालिटी के डेंटल फिलिंग्स होते हैं एंड जस्ट मैचिंग टू योर टूथ कलर। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि आपके दांत में सेंसिटिविटी हो रही है, तो आपको नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके उसमें फिलिंग कराते हैं। जो रीज़न होता है कि अगर आपका सिट्रिक फूड में ज़्यादा इंटेक है, सिट्रिक फूड विटामिन सी उसमें होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है एंड वो एसिड की वजह से दांत के आउटर लेयर आपकी चिप आउट हो जाती है एंड वो आपको सेंसिटिविटी कॉज करता है, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा है, सिट्रिक फूड है, तो उसके लिए भी हमारे पास वही डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट यानी कि सेंसोडाइन या फिर कोलगेट सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट या फिर बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं, वो आपको यूज़ करना है, उससे आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अगर पेशेंट को एसिडिक रिफ्लेक्स बनता है, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे भी एसिड हाई अमाउंट में अगर माउथ में रहेगा तो उससे भी पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है एंड उसका जो ट्रीटमेंट है वही है डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करोगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। होता है कि अगर पेशेंट ऐसे पाउडर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारे पाउडर टूथपेस्ट अवेलेबल है एंड वो पाउडर टूथपेस्ट दांतों को इरोजन कर देगा, यानी कि दांतों को घिस देता है, तो उस वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। तो अगर ये रीज़न है आपके सेंसिटिविटी का, तो आपको पाउडर टूथपेस्ट स्टॉप करना है, आपको नॉर्मल जो आता है पेस्ट आता है वही आपको इस्तेमाल करना है, उससे आपके दांत ठीक हो जाएंगे एंड डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट यूज़ करना है। तो ये सारे रीज़न थे कि अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है तो ये ठीक हो सकता है एंड इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि नहीं केवल सेंसिटिविटी है, झंझनाहटी तो हो रहा है, ये अपने आप चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साइन होता है कि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो अगर आप इसको स्टॉप करोगे यहीं पे तो आगे आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।